गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? वेरी गुड। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे री से री की मात्रा लगाकर शब्द बनाना। क्या सीखेंगे? री की मात्रा लगाकर शब्द बनाना। और सबसे पहले ये सीखेंगे कि जब री की मात्रा किसी अक्षर में लगती है तो वो कैसे बन जाती है, उसको हम कैसे बोलते हैं। जैसे ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? ये री है। क्या ये री? री से ऋषि बाबा, आप लोग देखते हो ना कोप बुक पे, ऋषि ऋषि बाबा। तो री क्या है ये? आप पहले बोलो री री री। अब ये री जो होती है वो काम में लगेगी तो री की तरह ही इसकी भी आवाज हो जाएगी। ये री काम में लगा क्री, क्या हो जाएगा? क्री। शाम में लगा श्री, ना में लगा ड्री, वा में लगा व्री, मा में लगा मरी, घा में लगा घ्री। ऐसे जितने भी अक्षर होंगे सब में आप री लगाओगे तो उसकी ध्वनि जो होती है री की जैसी ही हो जाती है। जैसे अभी मैंने कुछ शब्द लिख रखे इधर, उसको आपको पढ़ना है। तो ये क्या है आपको पता ही होगा क्या है? री ता उ तु, री तु, री तु, रितु, री शाई शी। क्योंकि इधर की जो मात्रा होती है, आगे से जो हमारी मात्रा लगती है तो वो छोटी ई की मात्रा होती है, तो ये ई जैसी हो जाएगी। श ई शी, रि शी, ऋषि, रि चा आ आ, यानी देर तक को चाकों को देर तक बोलना है आ की तरह, चा निकलना चाहिए। रि चा चा, रि शभ ऋषभ, रि शभ ऋषभ। अभी माँ में लग गया री की मात्रा तो क्या बन जाएगा? मृग मृग। गा में लगा री ग री, ग्री ह गृह, ना री नृ प नृप, घा री घ्री तो घृत, दा री द्री ग दृग, वा री वृक्ष वृक्ष, ता री त्रिड त्रिड, मा री मृ दाऊदु मृदु मृदु, वा री व्रि श भ ऋषभ, व्रि ह द वृहद, मा री मृ मृतक मृतक, का री कृ त ग कृतज्ञ। ठीक है, इसी तरह हमको री की मात्रा किसी भी अक्षर में लगेगी तो उसको हमको री की तरह बोलना है। जैसे अभी हमको क्या करना है, ये हमारे री की मात्रा को अलग कर दिया गया है, अक्षर को अलग कर दिया गया है। हमको क्या करना है, री की मात्रा को अक्षर में मिला के उसको लिखना भी और पढ़ना भी है। तो का के बगल में हमारे किसकी मात्रा है? री की। करी करी क्या बन जाएगा? आप लोग बोलो करी क्री करी क्री। तो का और मात्रा हमेशा री की नीचे लगती है। का री क्री पा आ, क्री पा क्री पा आ की है ना, तो कृपा। मा री मृी मा री मृी, द आ मृदा आ है ना, मृदा मृदा। अभी क्या है? क री क्री पा पा लाऊ लू कृपालू, करी क्री पा पा लाऊ लू कृपालू, घारी घ्री क्या हो जाएगा? घारी घ्री 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 क्या है? वड़ा अड़ा, घ्री अड़ा घृड़ा घृड़ा घृड़ा। अभी क्या है, कुछ यहाँ शब्द लिखे हुए हैं और कुछ फिगर इधर बना हुआ है। फिगर को आपको देखो पहचानना है कि इधर क्या लिखा है, उसको मैचिंग करना है। जो चीज़ इधर लिखा है उसके सामने वो फिगर नहीं है, इधर उधर करके फिगर दिया गया है चित्र को,
हमने इधर उधर कर दिया है, अब आपको उसको मैचिंग करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये सर्कल में क्या लिखा हुआ है। तो वरी वरी श वृक्ष। तो वृक्ष कहाँ है आपका? ये वृक्ष है, वृक्ष मीन्स पेड़। तो पेड़ कहाँ है? वेरी गुड, ये रहा वृक्ष। तो हमें क्या करना है, वृक्ष को वृक्ष से मिला देना है। अभी क्या करना है, राई री सॉरी 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 गरी ग्री गरी ग्री ह गृह। गृह मीन्स होता है घर, गृह मीन्स घर। तो हमारा घर किधर दिख रहा है? वेरी गुड, सबसे नीचे। तो हमको गृह को गृह से मिला देना है। अब लास्ट में क्या है, हारी हरे द य हृदय। क्या है ये? हृदय। तो हृदय कहाँ है? ये हृदय, हृदय जिसको हम दिल भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, मैचिंग हो गया। इसी तरह आपके बुक में भी काफ़ी चीज़ें दी गई होंगी, उसको आपको देखना है, उसको री की मात्रा लगा के पढ़ना है और मैचिंग करना है सबको एक दूसरे से। और ऐसे भी दिया है आपकी बुक में, देखना है मात्रा को जोड़ना है, मात्रा उसी में जुड़ेगी जो उसके बगल में होगा। जैसे कि क री, री जो इसके बगल वाला है इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, प में ये नहीं लगेगा, ये जो उसके बगल में होता है उसी में ही लगता है। तो इसी तरह री की मात्रा लगा के आपको शब्द बनाने हैं, किताब को रीड करना है, पढ़ना है और कॉपी पे इसको लिखना है। ओके बच्चा, बाय।